नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में एक रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर को निशाना बनाते हुए शातिर चोरों ने मकान से सोने चांदी के कीमती जेवरात और अन्य महंगा सामान पार कर दिया। चोरी की वारदात के बाद जब रिटायर्ड फौजी घर लौटे तब उन्हें घटना का पता लगा, जिसके बाद मामले की जानकारी यूनिवर्सिटी पुलिस को दी गई। पुलिस ने रिटायर्ड आर्मी अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी मोती उर रहमान के मुताबिक गोविंदपुरी इलाके में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी अफसर दीपक सिंह चौहान के घर में चोरी की यह वारदात हुई है, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी ऑटो से आकर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। चोरी की इस घटना में आर्मी अफसर के घर से चोर करीब 18 लाख रुपए का माल लेकर गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही चोरों को दबोचकर माल बरामद कर लिया जाएगा। चोरी हुई है, क्या प्रॉब्लम है? एक जो हमारे फौजी सीनियर थे उनके घर में चोरी हुई है, जिसमें उनके घर से कुछ 18 लाख की जो सामान है उसमें चोरी की गई है। एक ऑटो के द्वारा उपयोग करके चोर वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पर से घर का सामान जो है वो लेके चले गए हैं। जो हमारे फौजी सीनियर थे वो अपने घर पे नहीं थे, उस टाइम घर पे ताला लगा था। और उसके बाद जो है इसको जो भी उसमें ऑटो उपयोग किया गया है उसकी हमने पहचान कर ली है और अभी उसके रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उसका रूट किधर से वो आए थे। जल्दी उस पर भी हमारे को सफलता मिलेगी और हम उस पर हमारी टीम उस पर लगातार काम कर कोई रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आया सर? इसके जो अभी जो है कुछ 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 जगह पे इसके सीसीटीवी फुटेज हमें इसको मिले हैं और हम यहाँ पे हमारे स्मार्ट सिटी के और कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं और उसमें जो ऑटो यूज़ की गई है उसके पहचान करने में हमारी टीम लगी है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।